तो गाइज यार ये जो गेम प्ले है ये इतना मनहूस है, इतना मनहूस है, तुम्हारे दोस्त की शक्ल इतनी मनहूस नहीं होगी जितना मनहूस ये गेम प्ले है अकेला, क्योंकि तुम्हारा भाई इसमें कतई अश्वत्थामा बना हुआ था भाई। जोनाथन वनाथन फेल मेरे सामने, ऐसे मारा हो ना बंदों को उड़ उड़ के, क्या बताऊं। अब भाई सब तुम्हारा भाई कतई फॉर्म में चल रहा होता है, एक स्क्वाड को पेला होता है और लास्ट वाले बंदे से ले रहा होता है मजे। अब उसने हमको कर दिया चैलेंज के साले अब की बार मार के दिखा दियो। मैंने बोला अच्छा भाई कंटेंट मिल गया, साला बाद में पता चला बहन चुत रिकॉर्डिंग ही ऑफ है। भाई ये बहुत होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों, नहीं वो आदत है ना भाई, मैं बताता हूँ। देखो आदत ये है ना मेरी कि मैं बार बार पिल जाता हूँ उतरते ही, तो ऑन ऑफ करना होता है, तो कई बार याद ही नहीं रहता। और कमाल की बात तो गाइस पता है क्या है, मेरा वही गेम प्ले बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। फिर मुझे हल्का हल्का ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया असल में मैं ही हूँ। अब यार देखो यहाँ पे एक बंदा ले रहा होता है टीपीपी और उसे देखो भाई, वाह उसे नहीं मुझे देखो यार, मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ, मतलब अच्छा खासा भाई ग्रेनेड से मार सकता था पर मुझे रिफ्लेक्स दिखाने होते हैं। पर भाई साहब मैं एक नंबर का ढीठ हूँ, मारूंगा तो साले वो ग्रेनेड से ही भाई, लगता है भाई वो मेरे से बड़ा वाला ढीठ है भाई, वो भी साला ग्रेनेड से ही मारेगा। अब भाई मेरे को पता है कि आप लोग यही सोच रहे हो ना कि तुझे पता कैसे चला कि ये वही स्क्वाड है, क्योंकि भाई साहब मैंने इनके एक टीममेट को पेला। अब उसका जैसे मैंने नाम पढ़ा ना तुम्हारे भाई की फट गई ये ग्रेनेड देख के, भाई साले तू बड़ा ही ढीठ है बहन, तू भी ग्रेनेड ही कर रहा है मेरे ऊपर। कोई नहीं गाइस, हाँ तो मैं कहाँ था, हाँ इसके भाई टीममेट को देखा मैंने, मैं समझ गया वही स्क्वाड है, तुम्हारे भाई ने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, इसलिए नहीं कि रिवेंज लेना है, सोचा कि रिकॉर्ड जाएगा थोड़ा बहुत पिल जाऊंगा तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से तुम्हारे भाई ने निकाला झुंझुनिया बाबा का लड्डू और चलो चचा, बहुत सही बहुत फुदक ली चचा, अब आए ना घुटनों पे सारे तुम्हारी तबीयत से लेंगे हम क्लास। हाँ अब बोलना जरा, रुक जा भाई जरा इससे माइक में बोलते हैं, हाँ भैया बोल जरा। साले कहाँ अभी भेड़चूद, अबे ये किरदार तो कहानी में नहीं था, ये कहाँ से आया भाई, इसको भी मैंने मारा था क्या पहले? नहीं गाइज ये वो भड़वा है जिसने इसको रिकॉल किया था, रुक जाओ इसको तो, हाँ कर ले ले जला ले भाई जला ले मार ले उसको। हाँ भाई ये वही टीममेट होते हैं ना जो लूटने के लिए आते हैं, साला बचाने थोड़ी आया है ये, तेरी बहन को ना मना ये जरा, अबे भाई रुक जा ले जा, बच गए गाइज वरना इज्जत की लग जाती, मतलब इज्जत तो नहीं है पर भाई बेइज्जती थोड़ी करवानी चाहिए फिर इज्जत नहीं है तो, छोड़ो। अब यार वो तीसरा नहीं मिल रहा भाई जिसके अंदर बहुत खुर कैच थी, एक को पहले पेल दिया, दूसरे को ग्रेनेड से पेल दिया, तीसरा बचाने आया वो भी पिल गया, भाई लास्ट बचा है पर है कहाँ भाई, कहाँ हो सकता है बड़वा वो भाई, फुटस्टेप तो सामने से आ रहे हैं पर ऐसी एयरफोन पे मैं कतई भाई सजेस्ट नहीं करूँगा, भरोसा मत करना, इतनी घटिया एयरफोन है ना मरता बाद में उसारा, पहले पहली कान में आ की आवाज़ आ जाती है, वो करके देखिए क्या बालकनी में बैठा है शायद। अबे भाई इससे चूतिए तो मैं भी नहीं हूँ भाई, ये जब से चढ़ा बैठा है बचा लेता मेरे को, वो भी चूतिए तू आ जा बेटा, तेरी तो अलग से क्लास लूँगा मैं भी लूँगा वो भी लेंगे आ जा। अबे बड़वे कैसे कुत्ता है, सुपरमैन की छठी औलाद यार तुम्हारे भाई का बहुत डिसिंग हो रहा है, पोको को माँ की आँख है इसकी, पोको की चूतिया फोन है भाई पूरा, आ साले ले बेटा प्रसाद निकल तू भी, अले ले 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 मेरे चार चमन चूतियों, कितना गंदा पिले हो साले, चुल्लू और पानी में ना डूब के मर जाना। अब भाई आप लोग सोच लो यार 14 किल कर दिए हैं 25 बंदे बचे हैं, सोच लो कितना गंदा हाल हुआ होगा मेरा, क्योंकि बहनचोद अब रिकॉर्डिंग ऑन थी भाई।